हेलो एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी सब्जी आलू मेथी मटर की रेसिपी लेके आए हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आलू मेथी मटर बनाने के लिए देखिए, हमने 3 मीडियम साइज के आलू को कट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हमने आधा किलो मेथी साग को बारीक काट लिया है, धो के वॉश कर लिया है। और हमने एक कटोरी मटर लिया है, हमने 2 टमाटर बारीक काट लिया, हरी मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और हमने मसाला में 1 चम्मच जीरा, 1 लहसुन की गांठ और हमने 4-5 लाल मिर्च लिया है। देखिए हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। और हम कटे हुए आलू डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और अच्छे से आलू को मिक्स कर लेंगे। और आलू को मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बीच बीच में हम आलू को चलाते रहेंगे। देखिए हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। और हम राई का फ़ौरन डाल देंगे। जैसे ही राई चटकने लगेगा हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमें मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट कर लेना है, और 1 चम्मच हमने हल्दी का पाउडर डाला है। अच्छे से टमाटर जब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम मसाला डालेंगे। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था ना, मसाला को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और हमने जो हरी मिर्च काट के रखा था, हरी मिर्च डाल देंगे। और देखिए हमारा मसाला भून चुका है, और हमने जो मटर रखा था मटर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, और हमारा मसाला तो भून ही चुका है। तो अब हम जो साग बारीक काट के रखे थे ना, साग को भी ऐड कर देंगे। साग को भी हम अच्छे से मिला देंगे। 2 से 3 मिनट के बीच हमें साग को अच्छे से भून लेना है। देखिए हमारा साग भून चुका है, और ये पानी भी छोड़ दिया है गल के, ये काफ़ी थोड़ी सी हो गई है। अब हमने जो आलू फ्राई करके रखा था आलू को ऐड कर देंगे। अच्छे से आलू को भी मिक्स कर लेंगे सब्जी में, और सब्जी को हमें 2 से 3 मिनट के बीच और पका लेना है। गैस का फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और हमारी सब्जी भी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। कलछी से दबा कर हम चेक कर लेते हैं हमारी आलू पकी है कि नहीं। देखिए हमारी आलू पक चुकी है। गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे, और सब्जी को हम नीचे उतार लेंगे। और हमने देखिए सर्विंग बाउल में सब्जी को निकाल लिया है। हमारी आलू मेथी मटर की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।